तो गाइस ये निकासिका जेल है जो अभी बन रहा है, तो कभी जेल में आने का इरादा है तो क्राइम करो और जेल में आ जाओ। निकासी में आओ तो आप लोग कभी भी अगर कोई ऊट वूट चाहिए होगा तो कंगन के दुकान से बहुत अच्छा क्वालिटी का ये लोग ऊट प्रोवाइड करते हैं, तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर और डिटेल्स मैं दे देता हूँ अभी। तो है गाइस व्हाट्सअप, तो आज एक नए ब्लॉग के साथ आपको यस्मिन यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करते हैं। तो मिलते हैं आपको भूटान चौकी में, तो बाकी रास्ते का नज़ारा आप लोग देख लो अभी। Hey kid, don't ever let them get inside your head. तो गाइस अभी हम लोगों को एक टूटा फूटा ब्रिज मिल चुका है जो एकदम बीच से टूटा हुआ है। यहाँ पर लकड़ी का वो सांग बनाकर इधर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। थोड़ा खतरनाक वाला रास्ता है, तो देख सकते हो आप लोग कैसे टूटा हुआ है ब्रिज। तो इस टूटे हुए ब्रिज से ही जा रहे हैं अभी। नज़ारा बिल्कुल मस्त है यार। लेकिन तो हम लोग गए थे 12 जून को भूटान चौकी, तो अभी है 16 जून, तो 16 जून का नज़ारा देखो आप लोग कैसे ब्रिज पूरा टूट गया है। हम लोग आज के डेट में जाते ना तो पूरा हम लोग गए थे अभी पानी में, तो कितना खतरनाक सिचुएशन हो चुका है देख ही सकते हो आप लोग, तो पूरा ब्रिज टूट गया अभी। तो आप लोग देख लो यहाँ साइड से भी पानी जा रहा है और यहाँ साइड से भी। ओ भाई साहेब पहाड़ देख लो, पहाड़, ओ माय गॉड कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है ना वो पहाड़ के ऊपर, वो सारा बादल अभी गिरा हुआ है ऐसे। तो अभी गाइस भूटान चौकी पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो गाइस हमने यहाँ गेट से हमने अभी गेट पास ले लिया है। एक बाइक का 50 लिया है, हम दो बाइक का आए थे ना इसलिए दो बाइक का 100। तो अभी भूटान चौकी में एंट्री कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ का रास्ता ख़राब है, कोई बात नहीं, ऐसे रास्ते में ही एडवेंचर का मज़ा आता है गाइस। तो अभी भूटान चौकी तक जा रहे हैं, कितना दूर है यहाँ से पता नहीं, तो अंदर की ओर अभी जा रहे हैं। बारिश आया था ना कल रात को, इसलिए सारा कुछ पानी पानी हो गया। तो ये पहाड़ देख लो आप लोग अब तब तक जब तक मैं भूटान चौकी पहुँचता हूँ, तो अभी बाकी का देख लो खुद ही। तो गाइस ये कुछ बना हुआ है इधर, क्या है देख लो, सुबह खाता वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, ये वाटर सप्लाई का पानी है। तो वाटर सप्लाई क्या देखेंगे, चौकी कैंपर्स। तो पहाड़ देख लो पहाड़ और नज़ारा नज़ारा। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. तो गाइस बहुत ही अंदर का रास्ता है, तो यहाँ टाइगर भी निकल सकता है, कोई रिस्क नहीं। तो अभी तो जा रहे हैं फिलहाल। Above the skies overseas, I hear them all those places calling me. To never give up, to never back down. देखो नजारा, enjoy करो enjoy. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. भाई साहब ये नज़ारा देख लो, ये जंगल के बीच से पानी आ रहा है पूरा, और ये है नदी। तो गाइस अभी अंदर जा ही रहे हैं लेकिन कहाँ तक जाना है पता नहीं,
तो मेरे साथ आप लोग भी चलते रहिए। तो गाइस अंदर तो जा ही रहे हैं लेकिन अभी तक मंजिल नहीं मिला है। तो गाइस ये नदी बह रहा है साइड से, तो नदी देख लो। तो भाई साहेब गाइस मेरा ना एक ड्रीम है ऐसा करके, मैं भी एक घर बनाऊंगा एक दिन और ऐसे जगह में रहूंगा। तो ये जिसका घर है ना वो बहुत शांति से रहता है यहाँ पर यार, तुम्हारा लाइफ भी औसम है। तो अभी अंदर से जा रहे हैं, ये वाला कच्चा रास्ता हमें मिल गया अभी। तो गाइस यही है भूटान चौकी, यही है भूटान चौकी। तो और आगे तक जा सकते हैं क्या? नहीं। तो गाइस यहाँ गाड़ी पार्क कर दिया हमने, तो एक बार 360 का नज़ारा देख लो। गाइस अभी ना हम लोग भूटान चौकी में पहुँच चुके हैं अभी, तो यहाँ का नज़ारा ना एकदम ओपी है आप। तो गाइस इधर से अभी जाएंगे हम लोग, उधर एक नदी है जहाँ पर एक सत्तिंग नदिया मिल रहा है, तो वहाँ जाकर दिखाएंगे आप लोगों को। तो गाइस अभी पानी पार कर चुके हैं हम लोग, तो गाइस इस नदी का बहाव भी देख लो। इधर यहाँ पे ही इतना बहाव है और कुछ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को अभी। तो वहाँ पर देखो आप लोग क्या वहाव है, क्या धार है उधर का पानी का। ओ माय गॉड, तो ये एंडी मकदा चौकी मिल चुका है हमें, तो एकदम चौकी के भूटान चौकी के भीतर में आ चुके हैं, पूरा अंदर आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ गाइस एक यहाँ से नदी जा रहा है, एक यहाँ से नदी और एक यहाँ से नदी जा रहा है चारों साइड। मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा पानी का आवाज़ है। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. ना क्या मजे ही आ रहे हैं, ऐसा प्लेस ना किसी ने देखा होगा यार, ऐसा इतना अंदर तक कौन लाता है। लाया होगा भूटान चौकी दिखाया होगा, लेकिन इतना अंदर तक कोई आपको आज तक नहीं लाया है। तो गाइस यहाँ बहुत सारे पत्थर है, मेरा बैलेंस भी स्लिप हो रहा है। तो बाकी का नज़ारा तो आप लोगों को देख लिया, अभी ना थोड़ा करके फील ले लेता हूँ। तो ऐसे अमेजिंग प्लेस का फील तो कुछ और ही होगा ना गाइस। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखो, और अभी दिखाना बाकी है आपको। एक हनुमान मंदिर है एकदम बाहर के ऊपर है, वो अभी हम लोग वहाँ सीढ़ी पे से सर के वहाँ पहाड़ तक जाएंगे और हनुमान मंदिर को भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो पर बनी रहिए। तो यहाँ से हम लोग हनुमान मंदिर के लिए ऊपर जा रहे हैं। तो ये लिखा है नरो बर्डेश्वर हनुमान मंदिर चौकी बांध, तो अभी ऊपर जाएंगे। तो गाइस इधर से पानी आ रहा है, तो काफ़ी फिसलन भरा है, तो बहुत ही ज़्यादा फिसलन है इधर।
तो एकदम ऊपर आ चुके हैं अभी। तो है ऊपर का नजारा। तो अभी इसके ऊपर जाएंगे हम लोग, तो वहां से भी नजारा दिखा देंगे। तो गाइस अभी ऊपर आ रहे हैं हम लोग सीढ़ी से। ये कितना सीधा सीधा सीढ़ी है यार। तो अभी से नजारा मिलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी और एक स्टेप ऊपर जाना है, तो एकदम टॉप पे आ गए। तो नजारा देखो आप लोग यहाँ से। तो थोड़ा पहाड़ के ऊपर भी जाएंगे और आप लोगों को वहां से भी दिखा देंगे। पहले तो हनुमान मंदिर को देख लीजिए एक बार। तो गाइस ये है हनुमान मंदिर। तो ये एक पेड़ है इधर जो कि बहुत बड़ा है। तो अभी ये मंदिर बन रहा है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये होगा शायद हनुमान मंदिर। तो ये है शिव जी का मंदिर। तो एक बार प्रणाम कर लेता हूँ। जय शिव शंभू, बम भोले, रक्षा करना। तो गाइस अभी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो पूरा जंगल है, घना जंगल। तो क्या मिलता है पहाड़ के ऊपर? तो बहुत ही घना जंगल है। तो जहाँ जहाँ से रास्ता बना हुआ है, तो वहाँ वहाँ से ऊपर जा रहे हैं अभी। तो गाइस बहुत ही डरावना है। तो पूरा एकदम जंगल के बीच। देखो ये कितना बड़ा पेड़ है एकदम पहाड़ के ऊपर। तो और ऊपर जा सकते हैं, तो जाकर देखते हैं क्या मिलता है। ये है जंगल, तो घना भयानक जंगल। तो गाइस यहाँ पर ना पानी का आवाज आ रहा है, शायद नदी है इधर। तो नदी मिल गया है शायद हमें पहाड़ के बीच से आकर। तो क्या है इधर देखते हैं। ओ भाई साहब, इधर तो वाटरफॉल मिल गया यार। तो गाइस कितना एडवेंचर कर रहे हैं हम लोग। ओ गाइस देखो ये छोटा सा वाटरफॉल मिल गया है अभी। तो गाइस वाटरफॉल, ओ माय गॉड, कौन सी जगह पे आ गए। पूरा एकदम घना भयानक जंगल यार, कोई नहीं है। तो अभी गाइस वाटरफॉल के पानी से थोड़ा मुंह हाथ धो लिया, बहुत गर्मी लगा था ऊपर जाके। तो देखो कोई नहीं है, पूरा घना बना जंगल है। तो मैं अकेला और मेरे दोस्त। तो ये जंगल को देख लो आप, कैसा भयानक ट्रिप पे आया। इतना एडवेंचर कर लिया इस ट्रिप में यार, तो पूरा जी भर गया यार। तो वीडियो को लाइक करना। तो थैंक यू। जंगल के बीच में, पहाड़ों के बीच में ये वाटरफॉल हमने डिस्कवर किया। तो हम इसका कुछ नाम रखेंगे। तो क्या होगा इसका नाम सोचता हो? मिडिल माउंटेन वाटरफॉल। तो हमने नाम रख दिया है इसका वाटरफॉल का, तो क्योंकि हमने ये डिस्कवर किया है। तो देख लो ये वाटरफॉल छोटा सा, तो इसका नाम होगा आज से मिडिल माउंटेन वाटरफॉल। तो कैसा लगा नाम, एक बार देख लो कहाँ पर है हम। तो यहाँ से हम लोग आए, तो यह है घना भयानक जंगल। तो अभी गाइस पहाड़ से एकदम नीचे उतर चुके हैं, तो अभी वापस जाएंगे। तो पहाड़ में आके हमें मिला वाटरफॉल और पहाड़ों का नज़ारा। तो देखकर कैसा लगा बताना। तो बहुत मेहनत से आया ऊपर, बहुत फिसलन भरा रास्ता है, फिर भी आया मैं। तो देखना जब ही ना एकदम पहाड़ के ऊपर से आ चुके हैं हम लोग। पूरा एकदम ऊपर गए थे, मेरे पीछे जो पहाड़ दिख रहा है एकदम ऊपर गए थे, वहाँ पे हमें एक वाटरफॉल मिला।
और वाटरफॉल को भी दिखा दिया, जो हो सका मेरे से भूटान चौकी में आके सब कुछ दिखा दिया। एकदम टॉप पे गया, वो वाला व्यू भी दिखाया, माउंटेन के बीच में एकदम जंगल के बीच से जाकर वाटरफॉल को भी दिखाया जो कोई नहीं दिखाता। तो वीडियो को थोड़ा सा भी एंजॉय किया है, थोड़ा सा भी वीडियो से एंटरटेन हुए हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो के लिए मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बी सेफ, बाय, जय शिव शंभू। तो गाइस चलिए चलते हैं यहाँ से अभी, बाय बाय नेचर, बाय बाय, बाय बाय माउंटेन्स, बाय बाय रिवर्स। तो फिर कभी मिलेंगे, इन पहाड़ों में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो बाकी थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ आप लोगों को जाने का। तो गाइस अभी यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, तो भूटान चौकी को बाय बाय कहते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए।